हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है और हमें घर में कुछ छोटी सी पूजा रखनी है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, सत्यनारायण कथा हो या हमें सुंदरकांड रखना हो, तो हम किस तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं बहुत कम साधनों में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये पार्ट टू है। पार्ट वन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अपने घर में मंदिर कैसे सेट कर सकते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके इस वीडियो को ज़रूर से चेक करिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि मैंने क्या क्या तैयारी किया। तो जो भी पूजा हम रखते हैं, सबसे पहले हम फास्ट रखते हैं। अब मुझे यहाँ पे उनके लिए बेस एक रखना था, तो मैंने ये एक छोटा सा टेबल था मेरे पास फोल्डेबल, इसे यहाँ पे रखा, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाया, बिकॉज मेनली वो ही यूज़ होते हैं। अब यहाँ मेरे पास केले का पत्ता नहीं मुझे मिला, US में वो नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ पर ये दुपट्टा से ही उनका एक पंडाल टाइप का बना दिया, जो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे और पूजा के लिए एक थोड़ा सा डेकोरेशन भी हो जाए। उसके बाद मैंने सिंपली ये छोटे से स्मॉल पॉट यहाँ पे यूज़ किया। ये दुपट्टा आपने मेरे पहले, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और तो आपने देखा होगा कि ये दुपट्टा मैंने पहले भी गणेश चतुर्थी के समय यूज़ किया था, या कृष्ण जन्माष्टमी में कैसे मैंने इसे यूज़ किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मेरे सेकेंड चैनल शीतल तिवारी स्टनिंग क्रिएशन में आप उसे जाके ज़रूर से चेक करिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बेस रखने के लिए एक कार्टन का डिब्बा लिया और उसमें ये दुपट्टा एक पिंक कलर का था, इसे बिछा दिया ताकि पूजा के लिए मुझे जो भी सामान रखना हो भगवान के सामने ही, प्रसाद या उनका दिया करना हो, अगरबत्ती जलाना हो, वो यहीं पर ही मैं रख सकूँ। तो इस तरीके से मुझे एक ये बेस चाहिए था, तो मैंने ये एक बेस उनके सामने रेडी कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में मैंने ये किया फ्रेंड्स कि मुझे पूजा से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए था उन सबको मैंने एक साथ ही यहाँ पे रख दिया, जैसे कि बर्तन हो गए और गंगा जल हो गया, तिलक हो गया, अगरबत्ती, माचिस, फूल वूल। फूल तो खैर मुझे नहीं मिल पाया बिकॉज लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई, तो जो भी सामान मुझे मिला उसे मैंने अरेंज करके यहाँ पर रख दिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे पास फ्रूट्स थे उसे अच्छे से प्रॉपरली वॉश करके रख दिया। पहले मुझे भी लग रहा था कि मुझे आम के पत्ते नहीं मिल रहे या केले के पत्ते नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज़ जब हम इस तरीके का पूजा करते हैं तो उसमें उससे ही मंडप बनता है। तो फिर घर में बात किया, मम्मी लोग यही बोलते हैं ना, और कि पूजा श्रद्धा से होना चाहिए और भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हैं, वो देखते हैं कि आप मन से और दिल से उन्हें याद करें। तो बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटी सी पूजा अरेंज किया। अब मंडप को थोड़ा सा मुझे डेकोरेट करना था, तो डेकोरेशन के लिए मैंने सबसे पहले तो आपको बताया कि मैंने ये दुपट्टा यहाँ पे यूज़ किया था, और मेरे पास ऐसे दो लैंप थे वो यहाँ पे मैंने यूज़ किया, और साथ ही साथ मैंने अपने भगवान को भी यहाँ पे रख दिया। मेरे भगवान में बालगोपाल अपने रखे, गणेश जी रखे और विष्णु जी की फ़ोटो रखी, और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ये मोर पंख रखा बिकॉज गणेश जी सॉरी कृष्ण भगवान का पसंदीदा है मोर पंख। और मैंने मेरे पास एक ये आपको मैंने आपने देखा होगा ये सारे डेकोरेशन के सामान मेरे पास थे जो मैंने मंदिर में यूज़ किया है, वही सारी चीज़ों से मैंने इसे अगेन डेकोरेट किया। बस मैंने यहाँ पर ये जो आप फ्लावर पॉट देख रहे हैं वो ही एक्स्ट्रा रखा, और मैंने यहाँ पे एक टेबल के लिए कार्टन का बॉक्स यूज़ किया था ताकि वो एक बेस हो जाए और उसमें मैं अपनी सारी चीज़ों को रख सकूं जो मुझे पूजा से रिलेटेड लगे। और उसके बाद मैं हो गई तैयार, और तैयार होने के बाद मैंने अपनी पूजा शुरू करी। बड़ी ही सिंपल तरीके से मैंने पूजा करी, जितना भी मुझे समझ में आया और जितना मुझे पता था जैसे पूजा हमारे यहाँ होता है मैंने वैसे ही किया। सबके यहाँ का अलग अलग रीति रिवाज होता है फ्रेंड्स, तो ये बस मैंने अब सच्चे मन से बस भगवान को याद किया था, बिकॉज़ अभी सिचुएशन ऐसी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा पूजा करते हैं, मन को भी अच्छा लगेगा, घर में भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो इस वजह से मैंने पूजा किया। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप भी बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं। अगर आपको घर में पूजा रखनी है और आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, तो जो भी सामान आपके पास अवेलेबल है, फल फूल